नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, चाणक्य की नीति के अनुसार कुछ भी हो जाए, महिलाओं को ये काम जरूर करना चाहिए। कौन से है वो काम, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर महिलाएं घर की सकारात्मक ऊर्जा की मूल्य स्रोत होती है, तो वो अपने स्वभाव और कुछ वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को घर में क्या करना चाहिए। दोस्तों, नंबर एक, घर की सफाई का खास ध्यान। दोस्तों, घर की सफाई स्वच्छ घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। ऐसे में जरूरी है कि महिलाएं घर की साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, जिससे घर चमकीला और कीटाणुओं से रहित रहे, क्योंकि ऐसे घर में मां लक्ष्मी आती है और ऐसे घर में ही सुख समृद्धि रहती है। इसलिए आप घर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। नंबर दो, मुख्य द्वार की सफाई। अपने घर में नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने के लिए घर के मेन दरवाजे की रोजाना सफाई करनी चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक बार गंगा जल और कच्चे दूध से घर की दहलीज जरूर साफ करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं आती हैं। नंबर तीन, सफाई के बाद स्नान करना। दोस्तों, महिलाएं अक्सर घर की सफाई करने से पहले स्नान करना पसंद करती हैं, जो कि गलत बात है। दरअसल महिलाओं को सफाई करने के तुरंत बाद नहाना चाहिए, जिससे कि तन और मन स्वच्छ हो जाए और आलस दूर हो जाए। साथ ही नया काम करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आ जाए। दोस्तों, चौथी बात है, खाना बनाने से पहले नहाना। दोस्तों, वास्तु के अनुसार बहुत ही आवश्यक है कि आप खाना बनाने से पहले नहा लें। नहाने के बाद खाना बनाने से खाना ज्यादा हेल्थी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। नंबर पांच, तुलसी की पूजा। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो आपको उसकी रोजाना सुबह और शाम पूजा करनी चाहिए। इसके सामने दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है, साथ ही पैसों को भी कमी नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर छह, खाने से पहले भोग लगाना। महिलाओं को खाना खाने से पहले पहला भोजन भगवान के आगे जरूर भेंट करना चाहिए। इससे घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है, साथ ही देवी देवताओं प्रसन्न रहते हैं और आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। साथ ही घर में शांति का माहौल भी बना रहता है। दोस्तों, नंबर सात, सूर्यास्त के बाद कंघी करना। दोस्तों, वास्तु के अनुसार सूर्य के डूब जाने के बाद, यानी कि शाम के समय, महिलाओं को बाल नहीं संवारने चाहिए। शाम के समय कंघी करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। रात को हमेशा ही आप अपने बालों को बांधकर सोएं। खुले बाल परिवार वालों के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। इससे आपको हर कार्य में असफलता मिलती है, इसीलिए आप हमेशा रात को बाल बांधकर सोएं। और दोस्तों, नंबर आठ है, बार बार गुस्सा करना। घर की शांति के लिए हर सदस्य को शांत रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। घर में शांत माहौल बनाए रखने के लिए घर की लक्ष्मी यानी कि महिलाओं का शांत और खुश रहना बहुत ही जरूरी है। बार बार गुस्सा करना और चिड़चिड़ाना घर में नकारात्मक ऊर्जा भर देता है। इसीलिए खासकर महिलाओं को अपने बार बार आने वाले गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि घर में शांति बनी रह सके। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल वचन, जो हमने आपके साथ शेयर किए, साझा किए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।